आप लोग मार्केट में जाते हो परचेस करने के लिए एक अलमारी, आपके साथ फ्रॉड होता है, आपको पता भी नहीं चलता। अब एक चीज देखो, ये जो सेल्फ है, ये सेल्फ कितना हैवी है, मेरा वेट पूरा ले सकता है, मेरा वेट है 70 kg, मेरा वेट है। Okay. यार मैं पूरा फिट हो गया यार, कैमरामैन मुझे ऐसा डर लग रहा है यार कि बंदा बंद ना कर दे, मैं फिर मैं निकलूंगा कैसे? टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, बंद करेगा क्या? नहीं बंद मत करना, अबे हंस क्यों रहा है, बंद करेगा तो मैं यहाँ पे तोड़ दूंगा। मैं पुष्पा हूँ, नहीं नहीं पुष्पा नहीं, मैं सम्राट हूँ। सो गाइस, इसका डीप देख सकते हो, कोई भी अगर अलमारी आप लोग परचेस कर रहे हो, कम से कम 20 इंच का अगर डीप होता है तो मेरे जैसा बंदा यहाँ पे फिट हो सकता है। ये मजाक में बात था, 20 इंच का कम से कम होना जरूरी है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टोर ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दिस इज अदनान और मेरे बैक साइड में आप लोग देख सकते हो बहुत सारे अलमारी है हमारे पास, सम्राट डिजिटल प्रिंट वाला अलमारी है। अब 2-3 अलमारी का हम लोग रिव्यू करेंगे, आप लोग हमारे साथ अब तक बने रहिए। और ये अलमारी के साथ क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट है, ये सारे अलमारी हम लोग इसलिए रिव्यू कर रहे हैं, तब तक हम लोग के साथ बने रहिए। और हमारा जो चैनल है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ। सो गाइस, एक अलमारी आप लोगों को क्यों खरीदना है और किस लिए 3 पल्ला खरीदना है ना, और किस लिए ब्रांड आप लोगों को खरीदना है, और बहुत सारे चीज़ें आप लोगों को मार्केट में मिल जाएंगे, कपड़े वड़े रखने के लिए, बहुत सारे चीज़ें रखने के लिए, आप लोग अलमीरा ही क्यों खरीदना है, इस चीज़ का हम लोग बात करेंगे और 2-4 ब्रांड का हम लोग दिखा देंगे और क्या क्या स्पेसिफिकेशन आप लोगों के पास अगर मिल जाता है तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। बात करते हैं, चलिए पहले हम लोग ये 3 पल्ला अलमारी का बात करते हैं। ये है सम्राट डिजिटल फुल प्रिंट वाला अलमारी है, आप लोग देख सकते हो, और ये जो प्रिंट है मयूर प्रिंट है, ये आप लोग देख सकते हो काफ़ी शाइनिंग है, ग्लेजी अलमारी है। इसके साथ जो लॉक्स है, लॉक्स है इसका मारुति लॉक्स। अब मारुति लॉक जैसे 800 का मारुति लॉक्स आप लोगों को देखे होंगे, 800 की जो मारुति कार है उसमें इसलिए इसको मारुति लॉक्स भी बोला जाता है ना। और काफ़ी ऑटोमेटिक लॉक्स है, जैसे मैं इसको ऐसे पुश करूँगा तो ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब मान लीजिए कहीं भाग दौड़ की जिंदगी में आप काफ़ी जल्दबाजी में होते हो, कहीं भाग रहे हो, तो इसको ऐसे खोलो और इसको कड़क से पुश करके निकल जाओ, है ना। आप लोग मार्केट में जाते हो एक अलमीरा परचेस करने के लिए, ठीक है ना, जब आप लोग अलमीरा देखते हो यार, किसी ब्रांड का नाम यहाँ पे टैग लगा हुआ है, आप लोग फटाफट इससे इसको परचेस कर लेते हो और आप लोगों को लगता होगा यार एक अच्छे प्राइस में आप लोगों को एक बहुत ब्रांड वाला अलमीरा परचेस करके लेके आए हो। यहाँ पे कोई स्टिकर देख सकते हो कि आप पुष्पा है लिखा हुआ है ऐसा वाला, वो पुष्पा देख के या सम्राट देख के किसी भी परचेस देख के आप लोग ब्रांड नेम देख के आप लोगों के लिए उठा लिया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आप लोगों को चेक करना होता है ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। आज के मार्केट में क्या होता है पता है, एक स्टिकर कोई भी शॉप ओनर बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, एक पुष्पा ना ब्रांड लगा के यहाँ पे मैं चिपका देंगे फिर मैं इसको परचेस कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। इसका अगर अलमीरा परचेस करते हो तो उसके साथ ये जो आप लोग देख सकते हो ब्रांड नेम इसके साथ डैश करके लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, है ना, वैसा ही लिखा, ये जो सम्राट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होता है स्टिकर, तो इसको आप सिर्फ मत देखो, हमेशा इसको भी देखना होता है। आप पुष्पा का लो, किसी भी ब्रांड का लो, ब्रांड के ऊपर अगर ट्रस्ट है तो ब्रांड के कई सारे निशानियाँ भी होता है, वो सारे वगैरह चेक करना होता है। तो आप लोग ध्यान से देख के अलमारी परचेस करो और हमारा वीडियो लाइक करो। ये जो हमारा अलमारी है, सम्राट का अलमारी है, इसका जो हाइट है गाइस 6.5 फीट का है, आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी शोरूम में अगर आप लोग एक अलमारी परचेस करते हैं, ठीक है ना, किसी भी ब्रांड का जो ऑफिशियली जो साइज होता है वो साइज हमेशा याद रखना है, जो हाइट होता है 6.5 फीट का होना चाहिए। और ये जो चौड़ाई जो है, चौड़ाई का जो लेंथ होता है इसका होता है 4 फीट 5 इंच, ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। और इसका जो डीप है, इसका अगर मैं डीप की बात करूं तो डीप होगा 20 इंच का। ये सारे चीज़ें आप लोग अगर याद रखते हो तो एक ऑफिशियली कोई भी अलमारी आप लोग अगर परचेस करते हो, कम से कम अगर ये मिल जाता है तो आपके लिए परफेक्ट अलमारी होगा। सो इससे अलमारी का कितना सेल्फ मिलेगा आप लोगों को, है ना। पहले मैं ये दिखा देता हूँ, फिर से एक बार खोल रहा हूँ इसको, यहाँ पे देख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 6 आपको सेल्फ मिल जाएगा, काफ़ी स्पेस बड़ा है। 20 इंच का अगर आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पे कुछ रखने के लिए तो काफ़ी मतलब यहाँ पे स्पेस वगैरह आप लोगों को मिल जाता है। इसके साथ जो यहाँ पे जो कब्जा वगैरह मिल रहा है, तो यहाँ पे सम्राट का जो यहाँ पे ब्रांड नेम आप लोग देख सकते हो हर कब्जे में, कोई भी ब्रांड का अगर अलमारी वगैरह परचेस करते हो तो वहाँ पे अगर पुष्पा का लेते हो तो पुष्पा लिखा रहेगा, ऐसा वाला पुष्पा नहीं सॉरी सम्राट अगर लेते हो सम्राट लिखा रहेगा, पुष्पा अगर लेते हो तो पुष्पा लिखा रहेगा, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ब्रांड नेम हमेशा हर जगह में देख सकते हो। एक स्टिकर गाइस, मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बता देता हूँ,
अगर किसी भी मार्केट में आप लोग जाते हो और एक बहुत सारे डिजिटल प्रिंट वगैरह देख रहे हो और काफी अच्छा लग रहा है और वहाँ पे लिखा हुआ है पुष्पा या किसी अच्छा वाला ब्रांड का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई ब्रांड का होगा तो आप लोग कैसे पहचानोगे, है ना? ऊपर से एक स्टिकर है, स्टिकर से नहीं पहचानोगे। यहाँ पे ना एक डैश करके लगा हुआ है जो मतलब इसके साथ ही इनबिल्ड है, मतलब इसके साथ एकमात्र सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर होता है वही इसको कर सकता है, नहीं तो कोई अगर फ्रॉड करेगा तो ऊपर से स्टिकर लगाएगा, है ना? आप सिर्फ एक साइड में मत देखिए, इस साइड में भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी सम्राट डैश करके लगा हुआ है, मतलब जब मैन्युफैक्चर किया था तब से यहाँ पे स्टिकर, मतलब स्टिकर तो नहीं, मशीनों से उसका जो नाम नेम प्लेट है लगा हुआ है, ठीक है? एक डोर को ओपन कर रहा हूँ, मेन जो डोर है, ठीक है, टू डोर है, तो मैं इसको जैसे ओपन करूंगा आप लोग देख सकते हो ऊपर ऊपर आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे हैंगर, जो भी आप लोग पंजाबी वगैरह शर्ट वगैरह आप लोग अगर टांगने के लिए आप लोग रखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा स्पेस आप लोगों को मिल जाएगा, है ना? नीचे आप लोगों का लोकर मिलेगा जहाँ पे आप लोग पैसे वैसे वगैरह रखने के लिए होता है ये, ठीक है? कितना रखोगे मुझे भी बता देना। सो मैं इसको थोड़ा ना ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसका की कहाँ गया भाई? चलो ये होता है इसका की, और इसका जो की है काफ़ी क्वालिटी, आपको जैसे कार का की होता है ना ऐसा लग रहा है ना, हाँ स्काई कंपनी का है तो अच्छा है। और इसका मैं पहले लोकर को ओपन करता हूँ, खुल जा सिम सिम, आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे करोड़ों रुपये आप लोग रख सकते हो, बोलना नहीं, ठीक है? आप लोग ये देख सकते हो, इसके साइड में फिर आप लोगों को और एक ड्रायर दिखेगा। हाँ, मैं जो मेन जो बात कर रहा था, यहाँ पे एक साइड में आप लोगों को ड्रायर दिखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग रख सकते हो जैसे जमीन के पेपर्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे पेपर्स होता है आप लोग यहाँ पे आराम से रख सकते हो, यहाँ पे पैसे ज्वेलरी वगैरह रख सकते हो। ये अगर ड्रायर भी नहीं लेते हो किसी भी ब्रांड में तो इसके लिए भी पैसे अलग से, अगर ड्रायर परचेस करते हो तो इसके पैसे अलग से चार्ज देना पड़ता है, अगर नहीं लेते हो तो उसका चार्ज काटा जाता है। तो हमेशा ये भी याद रखो इसके साथ क्या क्या फीचर है। आज के डेट में ना अलमीरा में अलमारी में बहुत सारे फीचर्स वगैरह आता है, तो आप लोग को ये देख के लेना है, अगर लेते हो तो इसके लिए अलग चार्जेबल होगा। इसके लिए गुप्त लॉकर भी होता है, वो वाला अलमारी भी हमने वीडियो में डाला है, फिर से और एक बार डालेंगे अच्छे से, है ना? तो पहले आज ये वाला जो अलमारी है सारे अलमारी का रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हैंगर मिल जाएगा बैक साइड में, आप लोग यहाँ पे एक देख सकते हो, एंड नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सेल्फ है, यहाँ पे ब्लैंकेट रखने के लिए, कंबल वगैरह रखने के लिए आप लोगों को जगह मिल जाएगा, है ना? यहाँ पे इतना जगह है कि मैं भी इसमें एडजस्ट हो सकता हूँ, तो मतलब काफी अच्छा है, है ना? आप लोग तीन आप लोगों को यहाँ पे सेल्फ मिल जाएगा काफी कुछ रखने के लिए। यहाँ पे सम्राट का एक बॉकेट मिल जाएगा जहाँ पे सम्राट का ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो काफी खूबसूरत भी लग रहा है, डॉट 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 करके यहाँ पे लिखा हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। अगर इसकी मैं लॉक्स की बात करूं, काफी हैवी लॉक्स है, मारुति लॉक्स है, इसका लॉक्स की भी वारंटी गारंटी होता है 5 इयर्स का, है ना? तो आप लोगों को वारंटी कार्ड भी मिल जाता है अगर ब्रांड का लेते हो, अगर कोई लोकल सा ब्रांड है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है तो उसमें वारंटी कार्ड वगैरह नहीं मिलेगा। हमारे पास ये भी 117 नंबर वाला प्रिंट है सम्राट का, ये भी है सम्राट का जिसका हमने अभी वीडियो किया है, ठीक है? इसके अंदर डिफरेंस क्या है मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, मैं तो एक ही बात भूल ही गया था, इसमें जो स्टिकर वगैरह होता है इसको भी दिखाना होता है। यहाँ पे मॉडल नंबर देख सकते हो, कोई भी आप अलमीरा वगैरह लेते हो, अलमारी लेते हो, दोनों नाम से है, तो 117 लिखा हुआ है। अरे इसका जो साइज है 78, इसका जो हाइट है और इसका जो चौड़ाई है मतलब 53 इंच का है और 20 इंच का डीप है, और इसका जो कलर है वाइट कलर है, और इसका जो डोर प्रिंट है, ठीक है ना, तो वो प्रिंट में है, तो ऐसे लिखा हुआ है, मेन डोर है, मेन डोर का जो की नंबर है 1440 और 1436, ऐसे मतलब लिखा होता है, ठीक है? और यहाँ पे सेल डेट वगैरह लिखना होता है, 7 इयर्स का वारंटी मिल जाता है, कंडीशन टू अप्लाई, आप लोगों को पल्ला का जो वारंटी होता है डोर का वो अलग से होता है, बॉडी का अलग से होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछ के नहीं लेते हो तो फिर बाद में प्रॉब्लम में पड़े हो, किस चीज़ का 7 इयर्स का वारंटी है, सारे चीज़ों का नहीं होता है, जैसे लॉक का अलग होता है, डोर का अलग होता है, बॉडी का जो है वो अलग होता है। चलिए फिर इसमें बात करते हैं। अच्छा, ये वाले जो अलमारी हमने दिखाया था मयूरू वाला, इसमें एक ड्रायर मिलेगा, इसमें विथ ड्रायर है, इसमें विदाउट ड्रायर है, तो सारे कुछ सेम है गाइस, आप लोग देख सकते हो सेल वगैरह सब कुछ इसमें भी है, इसमें भी सारी चीज़ें सेम है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हैंगर वगैरह सब कुछ यहाँ पे भी सेम है, 117 नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सब कुछ साइज वाइज, लेकिन यहाँ पे एक ड्रायर, हम लोग जो आगे वाले जो अलमारी में जो बात किया था उसमें एक ड्रायर था, इसमें ड्रायर नहीं है, तो आप लोग अगर एक ड्रायर वगैरह नहीं लेते हो तो उसमें आप लोगों का पैसा बचत हो जाएगा। आप किसी भी अलमारी परचेस करने के लिए, मान लीजिए आपके
गांव में कोई 117 वाला कोई मॉडल नंबर किसी भी ब्रांड का लेके आया है, तो आप भी 117 वाला लेने के लिए चला गए। सेम दोनों का मॉडल है, लेकिन विद डोयर विदाउट डोयर, ये भी देख के लेना है, नहीं तो फिर लंबा वाला ठगोगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपका कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग की सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट भी कीजिएगा। हमारा 2-4 दिनों में यार चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। अच्छे रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।